हे गाइस, सो आ गए आप लोग भी थंबनेल देख करके कि कोलगेट से कैसे स्किन को वाइट करें, कैसे स्किन वाइटनिंग, कैसे अपने हाथों को, कैसे अपनी स्किन को, फेस को, बॉडी को एकदम गोरा बना लें कोलगेट के थ्रू। आई थिंक आप लोग इसी वजह से आए क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने इस टाइप के बहुत से वीडियोस देख रखे होंगे यूट्यूब पे, मिलियंस में व्यूज़ हैं उन वीडियोस पे, और कैसे वीडियोस हैं वो कौन बनाते हैं अगर आपने देखे होंगे तो मे बी आप गेस कर सकें। बट ऐसा ही कुछ मैं भी देख रहा था काफ़ी टाइम से कि बहुत से वीडियोस हैं जो कोलगेट से स्किन वाइटनिंग के लिए हैं, स्किन फेयर करने का दावा करते हैं, 27 मिलियन, 30 मिलियन, 50 मिलियन तक व्यूज़ हैं एक एक वीडियो पे, और उनका चैनल इस चीज़ पे सर्वाइव कर रहा है। सो आप भी जानते हैं क्या है वो और मैं भी जानता हूँ वो क्या है वो, बट दैट्स व्हाई मैं इसके लिए मैं इसको लेकर आया था ताकि मैं उस चीज़ को प्रूव कर सकूँ आपके सामने। उन्हें मैं डायरेक्टली गलत नहीं कह रहा, बट उन्हें मैं प्रूव करना चाहता हूँ गलत इस चीज़ को लेकर के। सो दैट्स व्हाई मैं डायरेक्ट आपको ये चीज़ शो करके दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि क्या फर्क है उनमें और मुझ में, कैसे क्यों मेरा चैनल, इवन मैं जेन्यून बातें करता हूँ जो भी अपने चैनल पे करता हूँ, जो भी चीज़ें प्रूव कर रहा हूँ जेन्यून चीज़ें प्रूव कर रहा हूँ, और वो चीज़ें फेक दिखाई दैट तब भी उन्हें मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, वो भी इतने मिलियंस कि इवन मेरे पूरे चैनल के टोटल व्यूज़ उतने नहीं होते हैं जितने सिर्फ उनके उस वीडियो पे व्यूज़ होते हैं। तो चलिए आज प्रूव कर लेते हैं, बात कर लेते हैं उसी के बारे में कि मैं गलत हूँ या वो गलत है। तो आपको दिखाते हैं पहले इसको यूज़ कर, फिलहाल इसमें इतने केमिकल हैं दैट्स व्हाई मैं अपने फेस पे तो इसको अप्लाई करने से रहा, मैं आपको इसे अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि क्या फ़र्क है, ठीक है। उसके बारे में बात कर लेते हैं उन सभी वीडियो उसकी जो मैंने देखे और आपने भी देखे कि क्या सच है इस सब के पीछे का, तो उन सब के बारे में भी हम इसमें बात कर लेंगे। तो चलिए पहले इसको आपको अपने हाथ पे शो करके दिखाते हैं क्या इसमें सच में कोई इफेक्ट आता है इसको यूज करने से। तो पहले अपने हाथ को थोड़ा सा गीला कर लेते हैं, फिर इसको अप्लाई कर लेते हैं। सिंपली इस पे हम अप्लाई करते हैं थोड़ा सा टूथपेस्ट, ठीक है, ओके, इतना सफिशियंट। पर ये थोड़ा और लेते हो ना, कहीं कम लिया तो शायद इस वजह से स्किन वाइटनिंग नहीं है, ये थोड़ा और यूज कर लेते हैं। अब सिंपली उनकी तरह इसे लेकर के हमें 5 मिनट्स तक बोलते हैं, इसको 5 मिनट्स तक इस तरह से रब करना है हमें। कुछ लोग इसमें लेमन भी साथ में मिक्स कर लेते हैं, कुछ टमाटर मिक्स कर लेते हैं साथ में, यूजलेस है लेमन। आप सिंपली ऐसे भी अगर यूज करते हो तो हल्का सा आपका टैनिंग इफेक्ट को दूर करता है, बट जितनी स्किन वाइटनिंग वो दिखा देते हैं दैट्स इम्पॉसिबल। एक नॉर्मल सा वीडियो बना करके उस पर किसी कोरियन लड़की का थंबनेल लगाने के बाद में आप बताते हो कि आप स्किन को इतना वाइट कर लेते हो, इम्पॉसिबल। सबके बारे में अभी ब्रीफली मैं बात करूंगा, पहले मैं आपको ये शो कर देता हूं इस वीडियो को कि आखिर इसमें इफेक्ट क्या आता है। मैं सामने ही आपकी वीडियो कर रहा हूं, आप जो भी देखोगे सामने देखोगे। इसको 5 मिनट तक पहले से रब करते हैं, तब तक थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। सो गाइस, मुझे 5 मिनट्स हो गए इसको रब करते हुए इस तरह। अब चलिए इसको सिंपली कपड़े से पोंछते हैं, फिर उसके बाद वॉश कर लेते हो, आप देखते हैं क्या सच में कुछ स्किन वाइटनिंग का इफेक्ट आता है, क्या सच में फेयर करता है चेहरे को। आपका भी डाउट दूर हो जाएगा शायद, मेरा तो पहले से ही दूर है। ठीक है, इसे लेते हैं, कपड़ा गीला करते हैं थोड़ा सा, उसको पोंछ लेते हैं। सो देखिए, ये मेरा एक हाथ है, एक ही हाथ है, ठीक है। इस हैंड में मैंने अप्लाई किया, इसमें कुछ नहीं अप्लाई किया मैंने, ठीक है। फर्क देखिए, कोई फर्क दिख रहा है आपको दोनों हाथों में? आई डोंट थिंक कोई फर्क नहीं, जरा सा भी फर्क नहीं आया है, सिर्फ बकवास है लोगों को, क्योंकि हम, मेरी आदत है इससे, ह्यूमन नेचर की, हम कुछ भी नया देखते हैं तो उसके बाद उसे करने की कोशिश करते हैं। सिंपली टूथपेस्ट सभी के घरों में अवेलेबल होता है, इसलिए वो आपके माइंड के साथ में ट्रिक करते हैं, ठीक है। वो आप देखते हैं जैसे तो क्लिक करते हैं शायद इससे स्किन फेयर हो जाए, और यूजुअली हम इंडियंस क्योंकि हमारी स्किन थोड़ी सी डार्क होती है अदर कंपैरिजन में, और जैसे हम किसी कोरियन सबटाइटल को देखते हैं कि कोरियन लड़की की फोटो लगी है या लड़के की फोटो लगी है या किसी फॉरेन कंट्रीज की फोटो लगी हुई है, ठीक है, उसको आप जैसे ही देखते हो इतना चेहरा फेयर देखते हो, शायद इसे यूज करने से हमारा भी चेहरा फेयर हो जाएगा इतना ही, और आप भी उस पर क्लिक कर देते हैं और आप भी रह जाते हैं उसी तरीके से, कोई फर्क नहीं आता, फिर आपको लगता है कि आप बेवकूफ बन गए, और इस तरह उनको व्यूज मिलते चले जाते हैं इस टाइप के बहुत सारे। तो मैं काफी टाइम से सोच रहा था इसे आप लोगों के सामने लाने के लिए। अब बात कर लूंगा मैं कुछ उन चैनल्स की और उन वीडियोस की यार। तो सबसे पहले आप वीडियो देख सकते हो, एक है इसमें चैनल है शॉर्ट टाइम सीक्रेट, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। टूथपेस्ट अप्लाई करके हाथ पे इन्होंने 3.9 मिलियन व्यूज सिर्फ टूथपेस्ट हाथ पे अप्लाई किया है, और इवन इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि अपने फेस को शो कर सके। आप इनका सिंपली हैंड देख सकते हो उस वीडियो में जो कि इतना ज्यादा डार्क कलर का होता है, ठीक है। अगर इतना ही ज्यादा ये वर्क करता है तो वो खुद अपने फेस को क्यों नहीं लगा लेते, अपने उस पर क्यों नहीं लगा लेते, और हाथ पे लगाते भी हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आता उस पर लगाने के बाद में भी। दूसरा चैनल है हमारा लाइफ स्टाइल टिप्स, इस पे तो मतलब रिकॉर्ड है भैया, इनका हाथ आप देखिए, कोई फीमेल है, उन्होंने इसे यूज किया 27 मिलियन व्यूज, 27 मिलियन व्यूज अंडर 1 ईयर, 1 साल के अंदर 27 मिलियन व्यूज सिर्फ इस वीडियो पे कि उन्होंने कोलगेट से अपने हाथ को वाइट किया। कुछ भी नहीं फर्क आया, आप पूरा वीडियो देख सकते हो जाकर के नेट पर सर्च करके, कोई फर्क नहीं आया उनके ऊपर, बट उन्हें 27 मिलियन व्यूज मिल गए। लाइफ स्टाइल टिप्स 180K सब्सक्राइबर है, बस एक वीडियो पे इतना व्यूज है उनके कि मेरा लाइफ टाइम का मेरे चैनल का व्यूज नहीं है इतने। दूसरा है हमारा कोलगेट
कोलगेट लेमन एंड फेस व्हाइटनिंग, इस बंदे के जितना कॉन्फिडेंस लाइफ में अगर मिल जाए ना तो आप जिंदगी में सब कुछ कर लोगे, जितना कॉन्फिडेंस इस बंदे के अंदर है। कोयले से भी ज्यादा काला हाथ लेकर के वो लड़का दूसरों को गोरा होने का टिप्स दे रहा है कि आप कैसे कोलगेट को लगा करके एकदम गोरे हो जा सकते हो। उसका थंबनेल आप देखिए, और जब वीडियो पे आप क्लिक करते हो तो कोयला भी शायद उसके हाथ को देख के शर्मा जाएगा कि ये किस बंदा किसको गोरा होने का टिप्स दे रहा है कि क्या लगा के आप एक कोलगेट में लेमन मिला करके गोरा होने का टिप्स दे रहा है आपको। पता नहीं कैसे लोग बना लेते हैं इतना तो कॉन्फिडेंस लाइफ में, मतलब कहां से लाते हैं, और लाते भी तो यार इतना कॉन्फिडेंस मुझे लाइफ में नहीं चाहिए कि मैं इस तरह से लोगों के साथ उनके ब्रेन के साथ खेल सकूं, इतने फेक वीडियोस बना सकूं। मुझे जितने व्यूज आते हैं मैं हैप्पी हूं, ठीक है, बट मैंने आज तक मुझे इस चीज की खुशी कि मैंने जैसे जितने भी वीडियोस बनाए किसी के साथ में फ्रॉड नहीं किया, किसी को मिसलीड नहीं किया। सो गाइस प्लीज मुझे इस चीज को लेकर गलत मत समझिएगा कि मैंने कुछ गलत वर्ड्स यूज किए दूसरों को लेकर, उनकी स्किन कलर को लेकर गलत वर्ड्स यूज किए। गाइस मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं किसी को काला बोलना या कुछ भी बोलना, क्योंकि ये नेचुरल गॉड गिफ्टेड स्किन कलर होता है जो गॉड ने हमें प्रोवाइड किया। बस उसकी थोड़ी सी केयर करना वो हम चाहते हैं कि नॉर्मली हम स्किन केयर कर सकते हैं, कुछ नॉर्मल रूटीन्स फॉलो करके स्किन केयर कर सकते हैं। बट यार ये चीजें मिसलीड करने वाली, या डाटा मानते हैं आजकल बहुत ज्यादा सस्ता हो गया इंडिया में, बट क्या डाटा इन्हीं चीजों पे यूज करने के लिए बचा है? कुछ अच्छा देखिए, कुछ अच्छा सीखिए, कुछ अच्छा करिए। स्किन केयर करनी है तो करिए, स्किन करिए, आपकी स्किन एक दो टोन तक थोड़ी सी फेयर हो सकती है। बट अगर आप सोचते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा डार्क कलर में है और आप एकदम से व्हाइट टोन में पहुंच जाएंगे तो दैट्स इम्पॉसिबल गाइज। उसके लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं कि आप इतना ज्यादा व्हाइट हो सके जाकर के। सो मत बिलीव करिए इन वीडियोज पे, उन लोगों पे जो आपको इतना दावा करते हैं। जो भी आपकी स्किन टोन है उसमें हैप्पी रहिए। बस क्या है, आपकी जो स्किन है वो आपकी स्पॉटलेस होनी चाहिए और आपसे ज्यादा खूबसूरत शायद ही कोई दिखेगा। और इसके भी चैनल्स के मैंने नाम मेंशन किए, अगर वो मुझे गलत प्रूफ कर देते हैं तो मैं उसी दिन अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। मैं ओपनली चैलेंज देता हूं उन्हें कि अगर वो मुझे गलत मुझे साबित करें, अगर आप मुझे गलत साबित करें, मैं गारंटी के साथ कहता हूं मैं अपना चैनल उसी वक्त डिलीट कर दूंगा। मुझे नहीं डालने फिर वीडियोस अगर मुझे कोई गलत साबित कर दे। यार बहुत कुछ बात करने के लिए नहीं था, बहुत टाइम से मैं सोच रहा था आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में जागरूक करने के बारे में, सो वो मैंने फाइनली आज कर दिया है। यार आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, एंड सॉरी फॉर माई वर्ड्स जो मैंने यूज किए, काला गोरा वो सब। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में, और अगर कुछ आपको पूछना हो तो नीचे कमेंट कर लेना या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट फॉलो कर लो मुझे, ठीक है, वहां मैं डीएम में सभी को रिप्लाई कर देता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय।